पूर्व विधायक पंडित अरुणोदय चौबे ने लगाए कांग्रेस पार्टी पर आरोप, कांग्रेस पार्टी में नहीं है संगठन। सागर से सीएम के कार्यक्रम से लौटते समय जगह जगह आम नागरिकों ने पंडित अरुणोदय चौबे का किया अभिनंदन। पूर्व विधायक पंडित अरुणोदय चौबे से खास बातचीत की वंदे भारत न्यूज सागर जिला ब्यूरो पंडित कृष्णकांत तिवारी ने। देखिए वंदे भारत की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं कृष्णकांत तिवारी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी लोकसभा चुनाव का दौर, चुनावी समय आ चुका है, चुनावी महासमर, जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे ही सियासी गलियों में हलचलें तेज हो चुकी हैं। अभी हाल ही का घटनाक्रम अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी और अपने प्रत्याशियों की, लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की एक और सूची जारी कर चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस पार्टी की भी देखें तो वहां से भी प्रत्याशियों की सूची जारी हो चुकी है। लेकिन अभी हाल ही के घटनाक्रम को अगर हम देखते हैं तो सागर जिले में कांग्रेस पार्टी को अभी 11 तारीख सोमवार के दिन एक बड़ा झटका लगा हुआ है। आज हमारे साथ वंदे भारत न्यूज पर जो बातचीत करने के लिए जो शख्सियत उपस्थित है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा नाम बुंदेलखंड की राजनीति, मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस पार्टी की ओर से कद्दावर नेता कहे जाने वाले पंडित अरुणोदय चौबे जी, खुरई से पूर्व विधायक, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका आज वंदे भारत न्यूज पर। भैया अभी जैसा कि हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी से आपने जो है अलविदा कहा है, कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी आपने ज्वाइन की है, लगभग एक वर्ष पहले का अगर हम घटनाक्रम देखते हैं तो जैसे विधानसभा चुनाव के पहले उस समय कांग्रेस पार्टी से आपने त्यागपत्र भी दिया और समस्त पदों से आपने त्यागपत्र दिया, फिर विधानसभा चुनाव के पूर्व आपने फिर से ज्वाइन की। उस समय एक हवा भी चली कि अरुणोदय चौबे जी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो सकते हैं। आफ्टर ऑल लोकसभा चुनाव के पहले आपका भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना, कैसे देखते हैं ओवरऑल, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कांग्रेस पार्टी में करीब 35 से 40 वर्ष बड़ी ईमानदारी से सेवा करी और ये बात जहां जहां मैंने काम किया वहां के हमारे भाई लोग जानते हैं और मध्य प्रदेश के अलावा भी गुजरात असेंबली इलेक्शन में भी मैंने काम किया, दिल्ली नगर निगम में भी मैंने काम किया, तो अनेकों चुनाव मैंने देखे और पर्यवेक्षक भी रहा हूँ और बहुत ही ईमानदारी से सेवा करी। पर मुझे ये एहसास हुआ कि इतने ईमानदारी और निष्ठा से सेवा करने के बाद कांग्रेस में कोई आकलन नहीं है कार्यकर्ताओं का। मैं तो एक कार्यकर्ता बन के ही मैंने काम किया था, हालांकि मैंने मुझे संगठन का मैं लोगों ने मौका भी दिया, मैं जिला कांग्रेस कमेटी का पहले अध्यक्ष भी रहा करीब 7 वर्ष सागर से, फिर तो करीब 22 वर्ष से मैं प्रदेश कांग्रेस में उपाध्यक्ष भी रहा। पर वहां पर कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं का आकलन नहीं है और ना कोई प्रोटेक्शन देते हैं, अगर कोई गर्दिशों में भी है, परेशानी में भी है। तो मैंने देखा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में संगठन है और वो इनके इन प्रयास करते हैं कि कैसे हमारे कार्यकर्ता को राहत मिल जाए, ऐसा कांग्रेस में नहीं है। अभी एक और चीज देखने में आई कि अभी कांग्रेस पार्टी की ओर से राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस में जो नेता हैं और कार्यकर्ताओं का एक मोहभंग भी हो रहा है। इसके पीछे क्या वजह मानते हैं कि क्या संगठन में बात लोगों की नहीं सुनी जाती, कार्यकर्ताओं की बात कांग्रेस पार्टी में नहीं सुनी जाती है? मैंने आपसे कहा ना कि एक तो आकलन नहीं है अच्छे लोगों का, दूसरा अभी जो राहुल जी की यात्रा चल रही है, इन चुनाव का वक्त है, इस समय लोकसभा की तैयारी करना चाहिए, पूरा संगठन उसी में लगा हुआ है उनकी यात्रा, जबकि इस समय मेरे ख्याल से, मेरा एक सोच है, इन्हें समय देना था, प्रायोरिटी देनी थी लोकसभा चुनाव,
में वर्क करना था कि कौन से प्रत्याशी घोषित करना है, कैसे होना है, उसमें ज्यादा फायदा होता। तो एक तो कांग्रेस में संगठन समाप्त, आज जो ऊपर जो सलाहकार भी बैठे हैं वो जमीनी नहीं है। तो मुझे ये प्रतीत होता है कि कांग्रेस पार्टी का भविष्य ठीक नहीं है। जैसा कि भैया अभी देखने में आया कल सागर में कार्यक्रम, इस समय जो हमारे मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, मैं तो उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ कि वो एक जमीनी व्यक्ति है। उन्हें मालूम है कि जमीनी व्यक्ति पे जो काम, जो जमीन पे काम करता है उसे क्या परेशानियां होती हैं, और एक बहुत ही मिलनसार और सब में घुल मिल जाने वाले उनका व्यक्तित्व है, और वो काम करने वाले आदमी हैं। आज मध्य प्रदेश में जब से वो बने, एक नई तरह की ऊर्जा कार्यकर्ताओं को मिली है। आज सरकार भी बहुत ही अच्छी तरह चल रही है, कोई भी पार्टी के लोग हो किसी को कोई शिकायत नहीं, हर व्यक्ति इनकी इनके काम की तारीफ कर। तो मोहन यादव जी ने भी मेरा आकलन किया होगा, हमारे सीनियर या हमारे साथी और जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग हैं उनने भी मेरे बारे में चर्चा की होगी, मुझे ऐसा लगता है। और मोहन यादव जी भी मुझे, क्योंकि मैं उज्जैन में भी कांग्रेस की तरफ से प्रभारी रहा हूँ, तो उनने भी सुना हो, जैसे कि मैं तो उन्हें जानता था पहले, उनके नाम से जानता था कि अच्छे व्यक्ति हैं। तो ये सब बातें जब इकट्ठी हुई तो फिर उन्होंने एक, उनका वो भड़कपन था और एक प्रेम था जो मेरे प्रति झलका। में क्या भूमिका रहने वाली है पंडित अरुणोदय चौबे की? देखिए, मैं तो हमेशा से कार्यकर्ता रहा हूं और हम लोगों का प्रयास ये रहेगा कि इस बार सागर लोकसभा से बहन लता वानखेड़े जी को हम लोग 5 लाख के ऊपर पार कराएं, उसे विजय दिलवाएं, ये हम लोगों का लक्ष्य रहेगा। और मेहनत में हम लोग कोई कमी नहीं रखेंगे, और मुझे विश्वास है क्योंकि हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, उनके जो काम है, चाहे गरीबों से लेके हो, चाहे किसानों के पक्ष में हो, चाहे युवाओं के पक्ष में हो, महिलाओं के पक्ष में हो, उन्होंने अभूतपूर्व काम किया है। चाहे वो हमारी विदेश नीति हो, देश का मान सम्मान उन्होंने बढ़ाया, और जो हम लोगों के आस्था केंद्र था, हर व्यक्ति चाहता था कि अयोध्या में जल्दी से जल्दी राम मंदिर बने, इस प्रतीक्षा में बहुत से लोग तो आज हमारे बीच में नहीं है। हम लोगों को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम लोग रहते हुए आज राम मंदिर बना, तो इसका भी भारी लोगों में समान से प्रभाव जी प्रभाव पड़ता है। है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं में, वहां तो ऐसा कोई भारी, आज मुझसे कई मुस्लिम परिवार के लोग भी मिले, उन्हें भी बहुत अच्छा लगा कि वहां पर जहां राम मंदिर बनना था वहां राम मंदिर की स्थापना हुई। तो हम सब खुश हैं, और मध्य प्रदेश में क्या पूरे हिंदुस्तान और दुनिया में इस बात का बहुत असर है कि इतने सालों साल से जिसका लिए प्रतीक्षा कर रहे थे वो स्थापित हो गया है, वहां इससे बड़ा प्रभाव पड़ा है। तो इससे हम लोग को, मतलब हम लोग बहुत प्रभावित हुए इससे, हम लोग क्या, मतलब सभी प्रभावित हुए और हर पार्टी प्रभावित।
अंतिम सवाल भैया, मैं जानना चाहूंगा, आप इस वंदे भारत न्यूज चैनल के माध्यम से आम जनता के लिए क्या एक संदेश, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? देश के विकास के लिए तो आज हमें भारतीय जनता पार्टी को चुनना पड़ेगा। हम यदि चहुमुखी विकास चाहते हैं तो हमें भारतीय जनता पार्टी को फिर से चुन के देश में हमें बैठाना है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, फिर से हम चाहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री वो बने जिससे जो बकाया काम रह गए, जो कुछ उन्हें करना है और जो रह गए वो पूर्ण हो पाए और हमारा देश चहुंमुखी विकास करे। तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पंडित अरुणोदय चौबे जी खुरई से, पूर्व विधायक। जैसा कि चौबे जी ने अभी आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी में किसी भी कार्यकर्ता या व्यक्ति के आकलन नहीं है, निश्चित ही ये चीजें यहाँ पर सिद्ध होती हुई दिखाई भी दे रही कि जिस तरीके से बीते कुछ समय में कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो है रुख किया है और भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित भी हुए हैं। अब देखना यह होगा कि अभी जैसे कयास भी लगाया जा रहा है कि और भी कई बड़े नेताओं कैसे कयास लगाया जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में अगर हम देखें तो खुरई विधानसभा सागर जिला बुंदेलखंड के कद्दावर व्यक्ति जो हमारे साथ आज है, जिनसे हमने बातचीत की, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। नई राजनीति, नई पारी की शुरुआत आज यहां से उनकी